जब हमारे दिन की शुरुआत अर्ली मॉर्निंग के साथ होती है तो हम ना सिर्फ ब्यूटी ऑफ नेचर को फील करते हैं बल्कि उस यूनिवर्स के साथ अलाइन कर पाते हैं, जिससे उस ब्रह्मांड की पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो आप फील करने लगेंगे जब आप रेगुलर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर यूनिवर्स के साथ बैठेंगे, बातें करेंगे, अपनी हर चीज़ शेयर करेंगे, क्योंकि उस परमात्मा से ऊपर आपको कोई नहीं समझ सकता और उससे बेहतर आपके लिए और कोई कुछ नहीं कर सकता है। और दूसरा, ग्रेटिट्यूड जनरल। लास्ट 4 मंथ से मेरी रेगुलर प्रैक्टिस में ये है, तो जहाँ मैं डिवाइन पावर को या जिस भी भगवान को आप मानते हैं उनको ही धन्यवाद करते हुए ग्रेटिट्यूड करें, थैंक यू कि जो कुछ हमारे पास है ना, शायद बहुतों के पास तो वो भी नहीं है। एंड बिलीव मी, ये प्रैक्टिस आपको पॉजिटिव भी रखेगी और आउट ऑफ डिप्रेशन रखेगी, एंड इट विल अट्रैक्ट बेटर अपॉर्चुनिटीज फॉर यू, रियली ट्रस्ट मी। तो मेरे साथ तो काम करता है और बहुतों के साथ काम करता है, बट ऐसा नहीं कि 10 दिन 15 दिन, आप रेगुलर होके देखिए। तो मेरी प्रैक्टिस में है अर्ली मॉर्निंग जाकर के सबसे पहले मेडिटेशन, मैनिफेस्टेशन और ये डायरी साथ चलती है, जिसमें मैं कुछ बेसिक चीज़ों के लिए थैंक यू यूनिवर्स फॉर एवरीथिंग इन माई लाइफ, जहाँ पर कुछ बेसिक चीज़ों के लिए मैं डेली भगवान को धन्यवाद करती हूँ। आप सोच के देखिए, अगर वो चीज़ें आपकी ज़िंदगी से हट जाएँ तो कैसी होगी लाइफ, आपकी फैमिली, आपके लव वंस और जो कुछ भी आपके पास है, और एक स्वस्थ शरीर एटलीस्ट भगवान ने दिया है। कईयों के पास हाथ नहीं, पैर नहीं, तो उनकी लाइफ से कंपेयर करके देखिए। सो थैंक्स बनता है भगवान जी के लिए कि जो कुछ है वो भी हमें मिला है, तो शुक्रिया उस चीज़ के लिए। और कुछ बेसिक योगासनास और बॉडी स्ट्रेचिंग। तो यहाँ पर पहले मैं मेडिटेशन और ये सारी चीज़ें करती हूँ, उसके बाद मैं अपनी योगा प्रैक्टिस में आती हूँ। आज थोड़ा सा मॉर्निंग मैं लेट छत में आई हूँ, यहाँ पर यानी अभी 5:30 बज चुका है, उजाला आपको दिखने लगा है यहाँ पर। और ये अपनी प्रैक्टिसेस करने के बाद हम निकलते हैं वापस अपने मॉर्निंग रूटीन के साथ, जो कि स्कूल जाने से पहले का रूटीन, कि भाई ब्रेकफास्ट के साथ साथ ही लगभग दिन का लंच भी मेरा तैयार हो जाता है। और नीचे पहुंच के मैं लेती हूँ अपना चिया सीड वाटर, जोशी जी को दे देंगे 1 ग्लास, और इसमें रात में डिप, इसको हम सोख करके रख देते हैं, मॉर्निंग 1 छोटा नींबू और 1 चम्मच शहद बढ़िया से घोल करके, और हम इसको खाली पेट पिएंगे मलासना में बैठ के। बहुत अमेजिंग रिजल्ट लाएगा अगले 5-6 महीने में, आप चेक कर सकते हैं, गूगल कर सकते हैं इसके अमेजिंग बेनिफिट्स को। और उसके बाद जल्दी से मैं आफ्टर शावर ही, नहाने धोने के बाद ही मतलब मैं छत पर पहुँचती हूँ, तो इसका डायरेक्टली पहुंचते हैं किचन में। और आज बननी थी आटा नूडल्स मैगी, पतंजलि की आटा नूडल्स ले आती हूँ, जो कि ये कम ही पसंद करते हैं, बट आटा नूडल्स करके इसे हम यूज़ कर लेंगे। तो पिछले बहुत दिनों से डिमांड थी कि मैगी नहीं खाई है बहुत दिन से, और आज ना छोटे वाले ने भी बोला कि नहीं सब्जी नहीं, इसने मुझे भिंडी कट करते हुए देख लिया था, तो बोला नहीं भिंडी नहीं ले जाना, आलू नहीं ले जाना, मैगी ले जानी है। तो ठीक है, कभी कभी बच्चों को, एक्चुअली बच्चे जब दूसरों के टिफ़िन में देखते हैं ना, तो स्पेशली फिर वो उस चीज़ के लिए आपको इंसिस्ट करने लगते हैं। तो कुछ ऐसा ही कहानी मुझे बताई थी बच्चों ने, तो इट्स ओके, कभी कभी फ्लेवर चेंज हो जाता है, टेस्ट चेंज करना भी ज़रूरी है। तो एक तरफ मैगी हमने यहाँ पर डाल दी, वेज मैगी, इसमें प्याज, टमाटर, शिमला हमने कट करके डाल दिया है। तो इधर मैगी रेडी हो गई है, 2 चम्मच घी लेंगे, उसमें ये वेजिटेबल्स डाल देंगे और साथ में ये आटा नूडल्स हमने यूज़ कर लिया। दूसरी तरफ सब्जी बनके हमने पहले साइड कर दी, मना थी सब्जी ले जाना वही सिंपली, तो सोचा कि चलो आज पहली बार ये मैगी ले जा रहा था जब से स्कूल गया है साल भर में। तो दूसरी तरफ बन गया है पराठा, तो मैंने, क्योंकि मैगी के साथ तो पराठा खाएगा कैसे, ज़िद थी मैगी ले जाएगा, तो मैंने आटा जो गूदा था, तो आटे पे मैंने अजवाइन और नमक डाल करके इसको गूंद दिया था, तो बढ़िया से नमकीन पराठे वो बन जाते हैं। तो यहाँ पर इसके लिए साइड में बना दिया पराठा, 1 टमाटो केचप और इसके साथ इसका टिफ़िन रख देंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आकर के ना प्रथम के लिए टिफ़िन रेडी कर देती हूँ, इसके बाद मैं दाल को चढ़ाऊँगी, क्योंकि दाल फिर लास्ट में जोशी जी के टिफ़िन के लिए और साथ ही मतलब दिन के लिए बनती है, क्योंकि इनके टिफ़िन में जाना है तो इसलिए साथ ही दिन में के लिए भी वो बन जाता है। तो बस थोड़ा सा, छोटी चम्मच से आप मान लीजिए कि 3 से 4 चम्मच, छोटी सी, छोटू सा तो टिफ़िन है ये, इसमें इतना सा हमने रख लिया, साथ में एक पराठा रैप करके हम रख देंगे। और कोई एक फ्रूट मैं ऐड कर देती हूँ, एप्पल है या बनाना है या फिर कोई भी सीजनल फ्रूट हो सकता है जो बच्चा आराम से खा ले। तो छिलके इसके लिए मुझे रखना पड़ता है, वरना ये बंदर की तरह ना अंदर अंदर से एप्पल खा लेता है,
बैक का पोर्शन चिकल वाला छोड़ देता है। तो चिकल हटा के एक तरफ हमने एक टिफ़िन में एप्पल रख दिए, स्पून के साथ टिफ़िन कर दिया रेडी। तो 6:30 इसकी बस आ जाती है, इसलिए इसका टिफ़िन सबसे पहले रेडी करना ज़रूरी होता है। तो सब्जी, मैगी, पराठा, यहाँ पर तवा गर्म है, इसका टिफ़िन रखने के बाद लगे हाथों में जो पराठे बनने हैं टिफ़िन के लिए, नाश्ते के लिए भी, वो बना दूँगी यहाँ पर, क्योंकि दादा नहीं खाएंगे मैगी, इन लोग के लिए रोटी बननी होती है। अब इसके बाद ना जल्दी से मैंने उधर दाल चढ़ाने डाली, और साथ में मैं यहाँ पर आ गई थी झाड़ू के लिए। एक्चुअली एज़ मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, थोड़ा सा अभी एक हफ़्ते से प्रॉब्लम है, ये जो काम में मैं हेल्प लेती हूँ झाड़ू पोछे के लिए, तो वो बेचारे भी बीमार है, तो इसलिए इस समय ये काम मेरा बड़ा हुआ है, तो एडिशनल उसी टाइमिंग पे मुझे मैनेज करना होता है। तो शाम में ना मैंने झाड़ू पोछा दोनों कर रखा था। रीज़न क्या था कि जो काले वाले चीटे हैं वो बहुत आ रहे थे अंदर, तो मैंने पहले उनको पूरा झाड़ के साफ़ किया, उसके बाद डिटॉल का पोछा पूरा डाल करके अच्छे से पूरे डिटॉल कॉर्नर्स में लगा के वो पोछा रात में लगाया था, और फिर ना कुछ चींटियां यहाँ पर बेचारी मर भी गई थी। अब क्या करें, खुद को बचाना है तो इनसे पीछा तो छुड़ाना ही पड़ेगा, क्योंकि कान में घुस जाती हैं तो बहुत टेंशन हो जाती है फिर बच्चे, तो इसलिए ये देखिए यहाँ पर दादी भी आई हुई थी देखने के लिए भी कितनी चींटी मरी हुई हैं। तो जल्दी से हम झाड़ू वगैरह कर देंगे, तो अभी मैं पोछा दोबारा नहीं लगाऊंगी क्योंकि शाम पे लगा हुआ है और मॉर्निंग में इतना टाइम होता भी नहीं है, तो एडिशनल जो क्लीनिंग होती है अगर रिक्वायर्ड है तो हम शाम में आके प्लान करती हूँ। तो बस उसके बाद जल्दी से हो गए रेडी और निकल गए स्कूल के लिए। सो फाइनली भाग दौड़ से भरा हुआ, जिम्मेदारियों से भरा हुआ ये जीवन जीना तो है, चलते रहते हैं, काम भी करना है, दिस इज कॉल्ड लाइफ। फाइनली रेडी होके निकल गए स्कूल, चलते हैं स्कूल, मिलते हैं आपसे दोबारा अगले किसी शेयरिंग के साथ, तब तक स्टे कनेक्टेड, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय-बाय। तो इस वीडियो के थ्रू स्पेशली मैं आपसे ग्रेटिट्यूड जनरल को शेयर करना चाहती थी, जो कि मेरी प्रैक्टिस में पिछले 4 से 5 महीनों से है और मैंने खुद ने पॉजिटिव फील किया है, इसलिए मैं आपको भी यही शेयर करूंगी, प्लीज मेक इट योर हैबिट ऑल्सो। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय-बाय।